हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आप मुझे आज ऐसे देख रहे हैं बिकॉज कि आज मैंने सोचा कि आज मुझे व्लॉगिंग करनी है। एक महीने का मेरा बाबू हो गया है, एक महीने से ज़्यादा का हो गया है, तो मैं सोचा नहीं यार, अब मैं घर का काम सारा कर रही हूँ तो मैं व्लॉग करना स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो अभी आपने देखा मैंने बनाया आज लंच में बैगन का भरता, और बज रहे अभी 12 बजने में 5 मिनट बाकी हैं और मेरी सब्जी बन के तैयार है। मेरे यहाँ बहुत फैंसी खाना अब नहीं बनता है, बहुत देसी खाना बन रहा है आजकल, तो हमारी किचन में बन रहा है खाना। और यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा बहुत सफाई कर दी है, थोड़ी बहुत करनी है। जब बाबू रोने लग जाता है तो उसको यहाँ लिटा देती हूँ, जब तक वो चुप रहता है तब तक वो अपने भैया और पापा के साथ खेलता रहता है। जैसे कि ये डुगू ने अभी अपने आप को ढक लिया क्योंकि वो अंडरवियर में बैठा हुआ है, और डुगू को पता है कि मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ तो मुझे ऐसे नहीं आना है। ये देखिए वो कैमरे का जो माइक है वो खराब है। हाँ यार, मैं तो भूल ही गई थी, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ मालूम नहीं है। हमें कुछ नहीं मालूम कि आवाज आ रही है आप लोग तक, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो मैं वॉइस ओवर करूंगी। और फ्रूटी जो है ना उसने काट दिया था, ये फ्रूटी ने काटा है हमारे घर का माइक, बट कोई बात नहीं। ये देखिए हमारे साहबजादे, छोटे साहबजादे हमारे यहाँ पे अपने पापा के पास लेटे हुए हैं। ये क्या हो गया सुगा को, क्या हो गया सुगा को, क्या हो गया भाई सुगा, क्यों ऐसे मुंह बना ली है, क्यों बना ली है मुंह? छोना ये छोना। तो सोना के पापा उसको खिलाने लग रहे हैं, साथ में अपना ऑफिस भी। और क्या ब्रेक ले रखा है आपने? हाँ, ब्रेक ले रखा है। ब्रेक ले रखा है तो इस टाइम में मैं अपना खाना बनाती हूँ और वो बाबू को लेके बैठते हैं। और इसको देखो, इसको देखिए, फ्रूटी क्या हो रहा है? बाबू के बेड पे मत सोइयो, ये क्या करती है ना, ये छोटे वाले बाबू के बेड पे आराम से बिछा रहेगा और आके इस पे सो जाती है गद्दा समझ के अपना। लेकिन फिर भी उन्होंने डिस्टेंस रखता है। हाँ। और वो भी नहीं आती है, इसके पास तो नहीं आती है, उसके पास नहीं आती है, उसके सामान पे आके जरूर अटैक करती है। के बाद मेरा एक काम होता है अपनी दवाइयाँ लेना, तो जिसमें से सबसे पहली मेडिसिन जो मैं इतनी लेती हूँ, यहाँ तो क्लास है ही नहीं। ओके, ये रहा जो सबसे बड़ी मेडिसिन पहले मतलब लेती हूँ वो होती है, आधा ग्लास पानी लिया, दिखेगा आप लोगों को भी, यस आधा ग्लास पानी लिया। उसमें मैं लेती हूँ ये 10 मोला रेस्ट, 2 चम्मच, और घोलो और पी दो। ये जिसकी भी अभी नई डिलीवरी हुई होती है ना, तो डिलीवरी के बाद पीना चाहिए, जो भी गंदा ब्लड वगैरह होता है इसको पीने के बाद वो फ्लश आउट होता रहता है। मतलब अभी से मेरी डिलीवरी को 1 महीने से ज्यादा हो गया है, बट मैं इसको ले रही हूँ इसकी वजह से, बीच में ब्लीडिंग बंद हो गई थी बट जब मैंने इसको शुरू किया तब अगेन स्टार्ट हुई ब्लीडिंग, तो मतलब जो भी ब्लड होता है वो सारा फ्लश आउट कर देता है ये। तो दिन में 2 बार ले सकते हैं आप इसे,
काला काला लगता है, इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होता है ये। मेरा चेहरा कट रहा है। हाँ हाँ, इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होता है ये, बट स्टिल आपको जो दवाई पीनी है तो पीनी ही है, उसमें कोई वो नहीं है। नहीं सोएगा पूरा जग गया तो जागी जागी। ये मुझे बिल्कुल भी उठने नहीं देता है, इसको बस मैं लेके बैठी रहूं, मैं रोटी बनाने के लिए बैठी हूँ, मैं रोटी बनाने नहीं जा पा रही हूँ, मैं पिछले 1.5 घंटे से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। फाइनली बाबू सो गया। टेस्ट करके बताओ कैसे है। क्या बात है, सरप्राइज। हाँ, मैं सुझा आपके लिए लच्छा पराठा बना देती हूँ। तुम बनाई हो तो अच्छा ही होगा। ओ हो गया डायलॉग्स। हाँ एक्चुअल बता तुम कैसे है। मस्त पराठा बढ़िया है। और ये क्या नाम है इसका, बैगन का भरता। बैगन का भरता बहुत बढ़िया बना है। धन्यवाद बाबू जी। जग रहे हैं ये, अभी भी सो नहीं रहे हैं। इसको मैंने अभी क्या किया हूँ, इसको लिटा के और पैर अपना इसके पास यहाँ रख लिया, तो इसको ये फील हो रहा है ना कि कोई मेरे साथ है। मुझे लग रहा है अकेले नहीं रहना चाहता है। चलो, ये है मेरी थाली, रोटी सब्जी एंड दही, और दिवाकर जी पराठे लेकर बैठे हुए हैं क्योंकि बाबू रोने लग गया। मैं आ गई, मैं ले लूंगी और भाई खाना खा लेंगे।
लास्ट ही बचा हुआ है आपका तो। सो गाइस फाइनली डुबो गया ट्यूशन क्योंकि बज रहे हैं दोपहर में 3:30 और बाबू सो गया है और दिवाकर अपना ऑफिस में लगे हुए हैं। तो अब ये टाइम है मेरे नहाने का क्योंकि घर में कोई नहीं है, सब अपने अपने जोन में बिजी हो गए हैं। अब मैं नहाने जा रही हूँ एंड नहाने के बाद या तो देखो सुबह, वैसे सुबह भी मैं कैसे कर सकती हूँ क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30-6 बजे बाबू जगता ही है, उसको मैं फिर उठाऊंगी, थोड़ा खिलाऊंगी, फीड कराऊंगी, फिर खेलेगा, फिर मालिश करूंगी, फिर सोएगा और उसके बाद जब तक डूबू के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है फिर उसका फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाओ, लंच बनाओ तो बहुत ज़्यादा, उसके बाद फिर दिवाकर जी का ब्रेकफास्ट वगैरह बनाओ उसको छोड़ के आएंगे तो मतलब मेरा मॉर्निंग रूटीन बहुत ज़्यादा ही ना ऐसा वाला है, रश वाला है। तो उसी सब चीज़ों में मेरे को बेसिकली इस टाइम, इन दिनों में ये टाइम मिलता है नहाने का। तो मैं अभी नहाने जा रही हूँ और इस छोटे से ब्लॉग को अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वेयर करना चाहो तो कर सकते हो, इच्छा है आपकी जितना आप कर दो उतना अच्छा है। सो मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में और मैं शॉर्ट्स वीडियो डालने वाली हूँ अब जल्दी ही, तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो भी बता देना डू कमेंट्स। अच्छा प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे हुए हैं इस लास्ट 1 मंथ में, यूट्यूब पे भी आए हैं, इंस्टाग्राम पे भी आए हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को किन्नी ब्लॉग में ले लेके आप लोगों को आंसर करती रहूँगी, ठीक है ना। सो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।